यूपी के बुलंदशहर में जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट रहा। पुलिस प्रशासन और नगर क्षेत्र में पुलिस बल के साथ पैदल मार्च भी किया गया। वहीं आपको बता दें कि लोगों से शांति बनाने की अपील करते नजर आए अधिकारी, जुमे की नमाज भारी पुलिस बल के पहरे पर अदा की गई। सर, बवाल के बाद किस तरह की स्थिति बनी हुई है? देखिए, बवाल के बाद जो है पूरी तरह से बुलंदशहर शांत है, फिर भी संभावनाओं और आशंकाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रभावी पुलिसिंग की जा रही है। साथ ही साथ इसका जो दूसरा पक्ष है, जो गुमराह लोग हैं, उनको वास्तविकता से अवगत कराने के उद्देश्य से जितने भी प्रमुख मस्जिदें हैं और उनके इमाम और उनके मुतवल्लियों के साथ लगातार हम लोग संवाद में हैं, और एक प्रश्न उत्तर के रूप में हमने तैयार कराया है मैटर, जिसमें CAA और NRC में क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस वजह से लोग गुमराह हैं, इसके संबंध में बहुत सरल भाषा में प्रश्नोत्तर के माध्यम से सारी संभावनाओं शंकाओं के समाधान का प्रयास किया गया है, और इन लोगों को सर्कुलेट करा रहे हैं ताकि जो मस्जिद के इमाम हैं, कई की अपेक्षा थी कि उन्हें खुद नहीं पता है कि क्या प्रकरण है, अगर लोग उनसे पूछते हैं तो वो भी जानकारी में उनके रहे ताकि वो लोगों को ब्रीफ कर सकें। तो ये सामाजिक स्तर पर ये काम भी हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जिन लोगों ने खुराफात की है, जो अपराध में संलिप्त रहे हैं, उनकी शिनाख्त का प्रयास विभिन्न CCTV फुटेज के माध्यम से किया जा रहा है, और हमारी कोशिश है कि स्थिति बिल्कुल सामान्य बनी रहे और अमन चैन कायम रहे।